नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा की सौगात दी। वहीं इस योजना से करीब 22 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। सीएम योगी का सरकारी कर्मियों को तोहफा, कैशलेस चिकित्सा योजना का हुआ शुभारम्भ। सरकारी कर्मियों को दिया कैशलेस इलाज का तोहफा। कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी। यूपी ये सुविधा देने वाला बना पहला राज्य। उत्तर प्रदेश के 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को गुरुवार को कैशलेस इलाज का तोहफा दिया है। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को कार्ड प्रदान करने की योजना का शुभारंभ किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार ने इस पे बहुत विचार किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि जैसे हम लोगों ने SECC डाटा के तहत पहली बार ये व्यवस्था की, देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू की, प्रदेश ने अंत्योदय परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष दिया और उसके अंतर्गत न केवल सरकारी हॉस्पिटल्स में बल्कि इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भी उन्हें फ्री में उपचार की सुविधा और 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तथा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि 100 डेज की जो योजना हम लोग बनाए उसमें सभी कर्मचारी भाइयों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए, फैमिली मेंबर मानते हुए, उनकी पीड़ा को समझते हुए हम 100 डेज के अंदर ही उन्हें कैशलेस योजना का लाभ दें। बड़ी योजना थी, इसको आधारभूत व्यवस्था करके उसको लागू करना था। 22 लाख हमारे कर्मचारी परिवार हैं, कर्मचारी भाई हैं, 5-5 अगर मान ले तो लगभग 75 लाख के लगभग लोग ऐसे हैं जिनको हम इस योजना का लाभ देने वाले हैं। इस योजना से 22 लाख राज्य कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी और उनके आश्रित सहित 75 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। यूपी का पहला राज्य जिसने कर्मचारियों को यह सुविधा दी। राज्य कर्मचारियों को हम परिवार का अंग मानते हैं। कर्मचारियों को भी चाहिए कि वो जनता के हित के कार्य पूरे मनोयोग से करें। स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर और उससे ज्यादा लगता तो फिर उसके बारे में अलग से उसकी व्यवस्था करें, जिससे उस स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से उसे डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाएगा वहां पे जाकर के उस कर्मचारी को या पेंशनर्स को या उसके आश्रित को किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा के लिए तरसना ना पड़े। आज एक कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो इसको प्रारंभ कर रहा है। मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 22 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी व पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत कर्मचारियों को हेल्थ कार्ड मिलेगा जिसमें यूनिक नंबर दिया जाएगा, उसके साथ ही उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारी व पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने का सिलसिला 21 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इनके परिवारों को आयुष्मान योजना में पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलेगी, जबकि सरकारी अस्पतालों में इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं
प्राइम टीवी, सच साहस